हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखिए मैं बना रही हूँ मैंगो चटनी। तो देखिए आपने देखा जैसे कि मैंने पहले मैंगो लिए हैं कच्चे आम और उनको छीलकर अच्छे से कद्दूकस कर लिया धो के। और अभी एक कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला और उसमें हींग और सौंफ डाली है साबुत, और उसको अच्छे से भून लेना। और अभी इसके अंदर मैं जितने भी मैंगो मैंने कद्दूकस किए हैं ना उनको भून लूँगी सौंफ और हींग के साथ। अच्छे से इसको भून के गला लेना। और अभी मैंने इसमें नमक थोड़ा सा डालूंगी, इसमें ऐड करके इसको ढक के पकाऊंगी थोड़ा सा, ताकि ये पक जाए अच्छे से। और अच्छे से ये इसको सिम गैस पे ढक के पकाना है ताकि थोड़ा सा ये गल जाए। और देखिए इसमें मैंने काला नमक डाला, थोड़ा सा ऐड किया, और थोड़ा सा ही मैं इसमें सफ़ेद नमक ऐड करूँगी ताकि थोड़ा सा करारी चटनी बने। और मैं बना रही हूँ मैंगो की चटनी, आम की चटनी, मीठी खट्टी मीठी। तो आप बने रहिए, देखते रहिए। और देखिए ढककर इसे मैं पकाऊंगी ताकि हमारे जो आम हैं थोड़े से गल जाएं वो। और अभी इसमें मैंने गल गए आम, और इसमें मैंने कलर के लिए थोड़ी सी मिर्च डाली है। आप मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं, पर हम लोग बच्चे खा लेते हैं थोड़ी मिर्ची। तो थोड़ी सी खट्टी मीठी तीखी चटनी बनेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इसमें मैंने चीनी डाली है अभी, तो आप अपने चीनी अकॉर्डिंग डालें कितनी डालनी है आपने, कितने आपके पास आम है। मेरे पास थे ये आधा किलो आम थे, तो मैंने इसमें एक पाव चीनी डाली, ज़्यादा नहीं डाली। तो आप बराबर भी डाल सकते हैं और थोड़ी कम भी डाल सकते हैं, मैंने कम ही डाली है। तो आप भी कम ही डालेंगे तो अच्छी लगेगी, खट्टी मीठी तीखी चटनी बनी थी ये, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और अभी देखिए अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, मैंने 2 या 3 घूंट पानी डाला था, आप 5 चम्मच पानी डाल सकते हैं, जिससे कि चीनी हमारी मेल्ट हो जाए अच्छे से और चटनी जो है बहुत अच्छी बनती है। ये आप बनाकर ज़रूर देखिएगा। और इसको भी अच्छे से ढककर अभी पकाऊंगी। और कोई ज़्यादा मुश्किल रेसिपी नहीं मैंने डाली, बहुत इजी है, आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। और पराठों के साथ, पूड़ी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। तो देखिए अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है, तो पानी को हमने बिल्कुल सुखा देना, और वैसे भी ठंडी होकर ये थोड़ी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो अच्छे से इसे पकाना है। और देखिए मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इसमें बीज लिए हैं 2 तरीके के, पम्पकिन सीड हैं और खरबूजे के बीज हैं, थोड़े से काजू और बादाम हैं। किशमिश भी ले सकते हो आप, मेरे बच्चे किशमिश नहीं खाते, तो आप अपने अनुसार ड्राई फ्रूट ले सकते हो। तो देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। और इस तरीके की चटनी आप बनाएंगे ना तो बच्चे खुश होकर खाते हैं, और वाकई में ये चटनी बहुत अच्छी बनी है। और आपके कम से कम 10-15 दिन के लिए ये चटनी बन जाएगी, और आप सुबह के नाश्ते में इसको खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं वैसे तो, पर सुबह में पराठों के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और देखिए चटनी बनकर बिल्कुल रेडी है, और कलर भी बहुत अच्छा है। आप कलर के लिए दूसरा कलर भी डाल सकते हैं, येलो कलर, रेड कलर, कुछ भी, पर ये नेचुरल कलर है। और इसको मैंने कांच की बर्नी में भर कर रख लिया है, और फ्रिज में रखिए तो 15 से 20 दिन तक, आप 1 महीना भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी चटनी बनती है ये, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों ने ट्राई की और आपको कैसी लगी। तो देखिए चटनी बनकर बहुत बिल्कुल रेडी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो धन्यवाद दोस्तों। और देखिए आप इसे कांच के जार में ही रखिएगा, प्लास्टिक या स्टील में मत रखिएगा बिल्कुल भी। थैंक यू दोस्तों, बाय।